नंबर वन पे है वॉक्स का व्हील बेरो, यह मेटल का बना हुआ आता है। इसके अंतर्गत आपको R81 इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेट ये है कि जो वजन कैरी करता है वो समथिंग 400 केजी के अप्रोक्सीमेट वेट को कैरी आप आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसका लाइट वेट आता है और इसमें एक आपको बैग होल्डर मिलता है और जो रो को इम्प्लांट मूवर भी आप आसानी से इसके अंदर कर सकते हो। और एक क्रेज जो स्लाइडिंग कैरेज मिलता है, इसमें आपको टू व्हील्स देखने को मिलेंगे। राइड इसकी स्मूथ है। तो नंबर टू पे है मैग्नेटिक वायर पुलर, ये है वायर पुलिंग डिवाइस आता है जिसके अंतर्गत आप किसी भी वायर को कहीं पर भी पुलिंग कर सकते हो। इसके माध्यम से आपको जो मैग्नेटिक जो इक्विपमेंट मिलता है वो हाई मैग्नेटिक इक्विपमेंट मिलता है जिसके माध्यम से आप जो वायर का पुलिंग कहीं पे भी से के द्वारा होल से के माध्यम से कहीं पे भी आप आसानी से कैरी कर सकते हो और इजी टू यूज़ है। तो नंबर थर्ड पे है मिलवॉकी का नीलर जो कि आपको 12 वोल्टेज में मिलता है। इसके साथ एक लिथियम बैटरी आती है, आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है। इसके अंतर्गत आपको 150 1.5 एच की बैटरी मिलती है एंड चार्जर मिलता है जो कि अगर आप इसके माध्यम से जो नेल्स आती है या फिर जो किल्स वगैरह आती है उनको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसमें आपको 2 सेकंड्स में पर नील आप इसके अंतर्गत आसानी से लगा सकते हो। इसमें आपको एक LED लाइट मिलती है। फ्यूल ग्लेज भी आपको इसके अंतर्गत मिलता है। इसे कैरी करना बहुत ही आसान है, इजी टू यूज़ है। इसमें आप 100 नील्स आसानी से वन टाइम पे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और भी सब फीचर्स है इसके अंतर्गत। तो नंबर फोर्थ पे आता है गोड बोर्ड का टूल ऑर्गेनाइजर जिसे आप गैरेज स्टोरेज भी बोल सकते हो। इसमें आपको नॉन स्लिप 6 हुक्स मिलते हैं जो हेवी ड्यूटी डिजाइन में आते हैं। यह मैक्सिमम आपको 550 LBS तक लोड उठा सकता है। यह आयरन में बना हुआ आता है। इंस्टॉलेशन करना बहुत इजी है, 5 मिनट में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। दिस रिंग विल बी योर परफेक्ट सॉल्यूशन। 4 इंच इसकी हाइट आती है एंड 16 इंच इसकी लेंथ आती है। एंड हुक्स वगैरह की मैं बात करूँ तो हुक्स आपको 6 हुक्स मिलते हैं जो कि अलग अलग साइज में आपको मिलेंगे। और जो हमारे जो लगेज वगैरह या फिर जो हमारे टूल्स है उनके अनुसार जो हुक्स है उसी अनुसार अलग अलग साइज में मिलेंगे, जिसे आपको जिस डिज़ाइन में कौन से आपको तो नंबर फाइव पे आता है OUDIST क्लेम हेमर जिसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। इसे आपको अलग अलग साइज में अलग अलग जो नील्स वगैरह आती है किल्स वगैरह में यूज में ले सकते हो। अगर इसमें एक मैग्नेटिक नील रिमूवर मिलता है, हैंडल मटेरियल अलॉय स्टील का बना हुआ आता है। इसमें आपको वेट आता है 560 ग्राम के समथिंग और फास्ट नील रिमूवर आपको देखने को मिलेगा। और भी अलग अलग साइज में अलग अलग फीचर्स वगैरह मिलते हैं। इसमें जो नील्स को हम जो लगाते हैं या फिर इंस्टॉलेशन करते हैं उसे में भी आप आसानी से, इसके में अलग से फीचर्स ऐड किया गया है जिसमें आप आसानी से इसे यूज़ में ले सकते हो और आप इसे कैरी भी कर सकते हो कहीं पे भी और इजी टू यूज़ है। तो नंबर सिक्स पे है ब्लैक डेकोर का BDCS4G जो कि 4 वोल्टेज मैक्स गेरो स्क्रू ड्राइवर आता है। इसके अंतर्गत आप जो LED वर्क लाइट आपको मिलती है, जो भी आप एरिया में वर्क करते हैं उस अनुसार इसमें एक LED लाइट आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अंतर्गत एक लिथियम बैटरी आती है। कंट्रोल के लिए आपको वेरिएबल स्पीड, रिवर्स एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है और 2 ईयर्स की लिमिटेड वारंटी आपको मिलती है। स्मूथ वर्क है, एक्यूरेसी के साथ आप इसके साथ वर्क कर सकते हो। बैटरी बैकअप आप 2 आवर्स में इसमें देख सकते हो। इसमें 2 आवर्स तक आप आसानी से वर्क कर सकते हो। इसके साथ आपको जो बिट्स वगैरह है वो भी आसानी से चेंजिंग कर सकते हो और भी मल्टी यूजेज में आप इसे जो यूज़ में ले सकते हो। और हैंडलिंग की बात करें तो बहुत ही स्मूथ हैंडलिंग है इसकी और इसे कैरी करना भी आसान है और यूज़ करना भी आसान है, तो विजिट कर सकते हो आप। तो नंबर 7 पर है ग्लिफ का टूल्स रिट्रेबल गार्डन हाउस रील्स जो कि 1/2 इंच से आपको 130 फीट तक आप साइज में आपको देखने को मिलता है। इसमें आप सुपर हेवी ड्यूटी वर्क के लिए इसे बनाया गया है। लेंथ लॉक आपको मिलता है, स्लो रिटर्न सिस्टम मिलता है और 9 एडजस्टेबल स्प्रे मॉडल्स आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं।
एडजस्टेबल लॉक सिस्टम आपको मिलता है। और भी आप इसे यूज में लेना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो नंबर 8 पे आता है जो डायमंड स्क्रू एक्सटेंडर सेट है, जो कि अलग अलग मल्टीपल यूजेस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग साइज से अलग अलग जो स्क्रू ड्राइवर है वो आपको मिलते हैं। इसमें जो स्क्रू रिमोट के जो सेट्स है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। इसे जो बिट्स या फिर जो ड्रिल्स वगैरह आती है उसके अंदर आसानी से इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। इसके साथ एक अडेप्टर भी आपको मिलता है, जिसमें आपको मल्टीपल जो ड्राइवर मिलते हैं वो आसानी से इसके अंदर इंस्टॉलेशन किए जा सकते हैं। और जो जंक्स वगैरह लग चुकी है, जिन जो स्क्रूज के जो डैमेज हो चुके हैं, उनको भी आप इस जो स्क्रू ड्राइवर उसके साथ आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर 9 पे आता है केलियन टूल्स पावर अप, जो कि आपको 6 आउटलेट्स में मिलता है और 5000 लूमियन वर्क लाइट आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। और USB पोर्ट्स आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। ओवर करंट प्रोजेक्शन प्रोटेक्शन आपको इसके अंतर्गत मिलता है। और भी अगर इसमें आप मल्टीपल यूजेज में आप इसे यूज में ले सकते हो, और आप इसमें जो वायर्स वगैरह है या जो भी जो वायर्स को रोलिंग करने का भी इसके अंतर्गत सिस्टम मिलता है। और भी अदर इसे कैरी करना बहुत आसान है, कहीं पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो, जहाँ पे आपको वर्क करना है वहाँ पे आप इसे कैरी कर सकते हो। इसकी जो डिजाइन वो वर्चुअल डिजाइन है, जो कि इस स्पेस को सेव करती है। और इसे आप कहीं पे भी जो कैरी है वो कर सकते हो, जहाँ पे आप वर्क करते हो उस अनुसार इसे यूज में ले सकते हो। इसके साथ एक हैंडल भी अटैचमेंट में मिलता है, जिसे आप जो यूज में लेते हो वहाँ पे आप आसानी से इसे डिग्री में कवर कर सकते हो। तो नंबर 10 पे आता है Thank you.